नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। मेरा नाम है आकाश साक्षी। खबर है हाथरस से जुड़ी हुई, जहां पर दो ग्रुप्स के बीच तनाव है, गांव में बहुत हलचल है। इस बीच मीडिया कवरेज में दोनों ग्रुप्स के द्वारा कई सारे ऐसे बयान सामने आए, खासतौर पर पीड़िता के परिवार से एक बयान काफी सुर्खियों में भी रहा था, जहां पर उन्होंने नार्को टेस्ट इस मामले में करवाने से साफ मना कर दिया था। पर यहां पर बड़ा सवाल ये कि क्या है ये नार्को टेस्ट, क्यों किया जाता है नार्को टेस्ट, इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। पुलिस विभाग में एक कहावत है कि पुलिस मार के आगे गूंगा भी बोलने लगता है, लेकिन कभी कभी यह कहावत ठीक सिद्ध नहीं होती है। ऐसी परिस्थितियों में पुलिस अन्य तरीकों का सहारा लेती है, इसी एक तरीके में शामिल है नार्को टेस्ट। इस टेस्ट को अपराधी या आरोपी व्यक्ति से सच उगलवाने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट को फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, जांच अधिकारी, डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक आदि के मौजूदगी में किया जाता है। आपको बता दें कि सबसे पहले किसी भी अपराधी या आरोपी का नार्को टेस्ट करने से पहले उसका फुल बॉडी माइंड चेकअप किया जाता है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि क्या व्यक्ति इस टेस्ट के लायक है या नहीं है। यदि व्यक्ति बीमार, अधिक उम्र या शारीरिक और दिमागी रूप से कमजोर होता है तो इस टेस्ट को नहीं किया जाता है। व्यक्ति की सेहत, उम्र और जेंडर के आधार पर उसको नार्को टेस्ट की दवाइयां दी जाती है। कई बार दवाइयों के अधिक डोज के कारण यह टेस्ट फेल भी हो जाता है, इसीलिए इस टेस्ट को करने से पहले कई सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है। कई केसेस में टेस्ट के दौरान दवाइयों की अधिक डोजों के कारण व्यक्ति कोमा में जा सकता है या फिर उसकी मौत भी हो सकती है। इसी वजह से इस टेस्ट को काफी सोच विचार करने के बाद किया जाता है। इस टेस्ट में अपराधी को त्रुत ड्रग नाम की एक साइटोएक्टिव दवा दी जाती है या फिर सोडियम एमिटेल का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस दवा का असर होते ही व्यक्ति ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां व्यक्ति पूरी तरह से बेहोश भी नहीं होता और पूरी तरह से होश में भी नहीं रहता। इन दवाइयों के असर से कुछ समय के लिए व्यक्ति के सोचने की जो क्षमता होती है वो या तो खत्म हो जाती है या फिर कम हो जाती है। इस स्थिति में उस व्यक्ति से केस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। चूंकि उस इंसान की सोचने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि इस अवस्था में व्यक्ति जो भी बोलेगा वो सच ही बोलेगा। अब इसे लेकर कानून क्या है वो भी जान लीजिए। जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट लिया जाता है उसकी सहमति भी आवश्यक है। हालांकि CBI और अन्य एजेंसियों को किसी का नार्को टेस्ट लेने के लिए कोर्ट की अनुमति लेना भी जरूरी होता है। बताया जाता है कि झूठ बोलने के लिए ज्यादातर दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सच बोलने के लिए कम दिमाग का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो सच होता है वो आसानी से बिना ज्यादा दिमाग पर जोर दिए बाहर आ जाता है, लेकिन झूठ बोलने के लिए दिमाग को इस्तेमाल करते हुए घुमा फिरा के बात बतानी पड़ती है। बता दें कि इस टेस्ट में व्यक्ति से सच ही नहीं उगलवाया जाता, बल्कि उसके शरीर के रिएक्शन को भी नोटिस किया जाता है। कई केस में सिर्फ यही पता करना होता है कि व्यक्ति का उस घटना से कोई संबंध है या नहीं है। ऐसे केस में व्यक्ति को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लिटाया जाता है और उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर विजुअल्स दिखाए जाते हैं। पहले तो नॉर्मल विजुअल्स जैसे कि पेड़, फूल, पौधे और फल इत्यादि दिखाए जाते हैं। इसके बाद उसे केस से जुड़ी तस्वीरें दिखाई जाती है, फिर व्यक्ति की बॉडी के रिएक्शन को चेक किया जाता है। ऐसी अवस्था में अगर दिमाग और शरीर कुछ अलग प्रतिक्रिया देता है तो इससे पता चलता है कि व्यक्ति उस घटना या केस से जुड़ा हुआ है। हालांकि नार्को टेस्ट के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह टेस्ट कई मुश्किल मामलों में पुलिस और CBI को सुराग अवश्य देता है, लेकिन यह कहना कि इस टेस्ट से 100% सच सामने आ जाता है ये सही नहीं है। जानकारों के हवाले से ही बताया जाता है कि नार्को टेस्ट के दौरान कई सारे ऐसे लोग पाए गए हैं जो उस अवस्था में होते हुए भी साफ साफ सच बोलने से बच जाते हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।